हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे एक्सपर्ट का पेपर तुमको पढ़ा दिया था और अच्छे से भी तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता ताकि तुमको समझ में आए कि क्या आया था। तो सबसे पहले ना मैं तुमको ये बता देता हूँ कि जो मैंने लाइव लेक्चर भी लिया था रात को तुम्हारे लिए, है ना। और लाइव लेक्चर में तुमको क्या बताया था, पहला टॉपिक क्या है, फीचर्स, एक्सपर्ट भी आ गया, फैक्टर, इधर तीनों आंसर आए, मतलब दो तुम लोग लिख दिए रहेंगे और इधर टैरिफ नॉन टैरिफ के ऊपर भी तुम लोग लिख सकते थे, इसी था। और रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग 10 नाम एक काम है ना, झंडू बाम वाला बोला था। फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इधर भी दो मिल गया। इधर तो डिक्टो सेम आया, डिक्टो सेम फर्स्ट सेकंड डिक्टो सेम जिधर बोला था। और लास्ट में तुमने क्या लिखा रहेगा, EPCGC है ना, ये वाला जब भी समझाया था मैं, और क्या क्या इंसेंटिव मिलता है, घुमा फिरे क्या आता है। और इधर तुमने तीन लिखा रहेगा, राइट। अब अभी तुम्हारा शॉर्ट नोट डिस्कस करता हूँ, मतलब जो बड़े आंसर थे वो सब सेम थे। अब शॉर्ट नोट और ब्लैंक्स में तुम्हारा सबसे पहला क्या है मालूम है, क्या आ जाओ, थोड़ा बच्चे का पेपर आया है उससे उसने मिस्टेक किया, अपन देखते हैं। एक्सपर्ट मार्केटिंग में एक्सपर्टर को क्या फेस करना पड़ता है, मल्टी फेस कॉम्पिटिशन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन देखना पड़ता है ना, मल्टी फेस था। और जो गुड्स लॉस हुआ ट्रांसमिट टू थेफ्ट और सी पायरेट, उसको कार्गो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्गो। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया में मर्चेंडाइज बोले तो गुड्स आता है, मर्चेंडाइज में गुड्स आएगा, सर्विस मुश्किल है, गुड्स है। और टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो प्रोटेक्टिव टैरिफ, इसका आएगा फोर्थ का फर्स्ट। और ट्रेड बैरियर्स क्या दो है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, है ना, दोनों आएगा, टैरिफ और नॉन टैरिफ, है ना, तो थर्ड वाला था टैरिफ नॉन टैरिफ। सिस्टमैटिक रिक एनालाइजिंग डेटा, मार्केट रिसर्च, इन्फॉर्मिंग मार्केट रिसर्च, तो ये मार्केट रिसर्च है, रिकॉर्डिंग बोला ना, सिस्टमैटिक, इजी था ये, फर्स्ट पेज था तुम्हारा। और सेकंड पेज, एक मिनट, सेकंड पेज में क्या था, SIES सर्विस प्रोवाइडर का था, इसका थर्ड है, सेवन्थ का थर्ड है। डैश आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैनलाइज ह्यूमन आइटम, ह्यूमन स्केलेटन, क्या था, ह्यूमन स्केलेटन। EOU का कुछ 25% FDI, तो इसका थोड़ा डाउट है, नाइन्थ वाला चेक करके कमेंट में बता देना। और ये क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असाइड आता है, फर्स्ट वाला आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असाइड था। FUO क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी है। और ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ, किसको रिफंड मिलता है, कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्टर को, किसको, एक्सपोर्टर को मिलता है, इंपोर्टर को नहीं मिलता, ड्यूटी ड्रॉबैक, ओके। पेड ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट, इधर क्या ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ टू गेट रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड, तो ये इंपोर्टर आएगा था, इंपोर्टर बोला था, इधर इंपोर्टर आ जाएगा, इसका 12th का सेकंड राइट था। और ट्रू ऑफ ऑल भी इजी था, इतना हार्ड नहीं था। एक्सपोर्ट मार्केटिंग डोमिनेट बाय स्मॉल एंड माइक्रो, ये फॉल्स है, बड़ी कंपनी होती है। RBI रेगुलेशन इंडिया, एक्सपोर्ट मस्ट रियलाइज एक्सपोर्ट विद इन 180 डेज, हाँ ये ट्रू है। इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर का लीडर, यस ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है। और थर्ड तुम्हारा इधर था, क्या दिया है, एक सेकेंड ना बच्चे लोग, क्या है ना, क्वेश्चन पेपर नहीं है ना अपने पास, बच्चे लोग से मंगाए मैंने, आ जाओ। अब इधर क्या बोला था, ट्रेड बैरियर रिस्ट्रिक्शन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट, तो फोर्थ वाला भी तुम्हारा ट्रू है, फोर्थ वाला भी ट्रू है तुम्हारा, ठीक है। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्री कमिंग टुगेदर, यस ट्रू है। मार्केटिंग टू कस्टमर नीड, सिक्स वाला भी ट्रू है। AZ बूस्टिंग सॉफ्टवेयर, नहीं AZ बोला था एग्रीकल्चर है, तो इसका सेवन्थ का फॉल्स लग रहा है, कैन नॉट सर्टिफाई, एट्थ का भी फॉल्स है। FTP मेक इन इंडिया, यस फॉरन ट्रेड पॉलिसी ट्रू था। इरमार्क इंडिया एक्सपोर्ट कंट्री मार्केट रिसर्च, यस ये इंडस्ट्रियल, ये मार्केट रिसर्च का नहीं था, इंडस्ट्रियल का था, रॉ मटेरियल का था, ये फॉल्स है। ने फाइनेंशियल असिस्टेंट करता है ये भी, तो डाउट है, टेंट वाला डाउट है, देख लेना। ई प्रोमोट प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल गुड, नहीं हाँ। और EPCGC एक्सपोर्ट प्रोवाइड एक्सपोर्ट टू NS एक्सपोर्ट, 12th वाला भी ट्रू है, 11th वाला भी ट्रू है, ओके। तो तुम्हारा पेपर था अच्छा खासा, अपन ने पढ़ लिया था अच्छा खासा, हो गया, ठीक है, थैंक यू।